हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक चीज़ है कि पावर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये रूल याद रखिएगा, जब भी पावर के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो उसे हमेशा जनरल फॉर्म में ले। तो जनरल फॉर्म में देखें कैसे लाते हैं, जैसे आप फर्स्ट करके लिखा हुआ है 2 की पावर 2 प्लस x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर x, बेसिस सेम, पावर एड ना, तो ये वापस हो जाएगा 2 प्लस x। तो इस तरह उल्टा, हमें ये उल्टा ले जाना है, जनरल फॉर्म में लाने के लिए उल्टा ले जा रहे हैं हम लोग। तो इसी तरह अगर 2 की पावर 2 माइनस x होता तो सब्ट्रैक्शन कब होती है, देखो मल्टीप्लाई में एडिशन होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है। तो मैं ऐसे लिख दूँ 2 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x, सही है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर माइनस x, बेसिस सेम, पावर एड 2 की पावर 2 माइनस x, देखिए यही चीज़ वापस बन गई, तो सही है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन हो तो डिवीजन में ले जाए, और मल्टीप्लीकेशन हो तो एडिशन में। देखें अब मैं एडिशन हो तो मल्टीप्लीकेशन में, तो अब हम लोग इसे पहले जनरल फॉर्म के अंदर ले आते हैं। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए देखें 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर x। अच्छा नेगेटिव x जो पॉजिटिव x हो जाएगा, साफ सी बात है वो ऊपर जाएगा। देखें यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस x था, तो नीचे क्या लिखेगा 2 की पावर 2 x, सही है। जैसे 2 की पावर 2 2 की पावर x, बस मस्त क्या फ़र्क क्या होगा इन दोनों में, साइन पॉजिटिव अगर होगी तो मल्टीप्लाई होगा, साइन अगर नेगेटिव होगी तो डिवाइड होगा, रहेगा ये पावर पॉजिटिव के अंदर ही। अच्छा ये लिख दिया -20 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब मैं देख लेता हूँ 2 की पावर 6 किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर 6 बराबर 64 के ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी ये इक्वेशन देखें, पिछले टाइप बन गई सेम और उसके नीचे सेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट कर लेता हूँ इसे, 2 की पावर x को मैं y लेट कर लेता हूँ, सही है। 2 की पावर x को अगर y लेट कर लूँगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 की पावर x y बन गई प्लस 64, 2 की पावर x क्या बन गई, y बन गई, -20 इक्वल्स टू 0। अब बस यहाँ पे मैं y को सॉल्व करूँगा और इसके अंदर रख दूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा तो अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो इन दोनों को अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा y² प्लस 64 माइनस 20 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये जाएगा 20, y को उधर ले जाता हूँ, ये जाएगा y² प्लस 64 इक्वल टू हो जाएगा 20y। अब 20y को मैं वापस इधर ले आता हूँ, y² पहले y लिख देता हूँ, तो 20y प्लस 64 इक्वल टू 0, सही। अच्छा अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम लोग इसे फैक्टराइज़ कर लेते हैं। फैक्टराइज़ करने का क्या तरीका होता है, अच्छा 64 थोड़ा बड़ा है तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 और 64, तो डायरेक्ट 64 लिख देता हूँ। अब 10 के नीचे से डिवाइड करवाना शुरू करें, देखें 10 से डिवाइड करवाया, आंसर पॉइंट में आया तो हटा दें, फ़ौरन हटा दें। 9 से आंसर पॉइंट में आया हटा दें, 8 से आंसर पॉइंट में नहीं आया, क्या 8 और 8 मिलकर 20 बन सकते हैं, नहीं, हटा दें। 7 से पॉइंट में आया हटा दें, 6 से पॉइंट में आया हटा दें, 5 से पॉइंट में आया हटा दें, 4 से पॉइंट में नहीं आया, क्या 16 और 4 मिलकर 20 बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, और -20 भी बन सकते हैं अगर मैं -16 और -4 को ऐड कर दूं, तो ये हमारा हो गया मिडिल टर्म ब्रेक, सही है। तो ये जाएगा y² -16y -4y + 64 इक्वल्स टू 0, सही। अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा y -16, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये -4 आ रहा है, तो ये जाएगा यहाँ y बचेगा, और माइनस है तो ये साइन उल्टी हो जाएगी, 4 16 से 64 होता है, ये इक्वल्स टू 0। मैं आइदर और कर लेता हूँ, तो देखें पहले तो y-16 कॉमन है, तो ले लेता हूँ y-16, तो क्या बचा, y बचा और यहाँ -4 बचा, y-4 इक्वल्स टू 0। तो एक तो देखें y-16 इक्वल्स टू 0 आ गया, और एक आ गया y-4 इक्वल्स टू 0, सही। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 16 हो गया एक, और y इक्वल्स टू 4 हो गया। तो एक बार हम 16 रख देते हैं और एक बार 4 रख देते हैं, किसके अंदर रखेंगे हम लोग, ये जो हमने सबसे पहले सपोज किया था, सही। तो इसके तो लिख देते हैं पुट y = 16 इन इक्वेशन, जो लेट करा था उसमें डालेंगे इक्वेशन 1। देखें इक्वेशन 1 में जब मैं डाल दूंगा तो आएगा 2 की पावर x इक्वल्स टू y, है ना, y की जगह 16। अच्छा पावर को हमें लाना है, तो पावर के बराबर लाने के लिए बेसिस सेम करनी होंगी, तो
टू की पावर एक्स, अब मैं इसे टू बनाना है, ये भी टू ऐसे टू, अब टू की ऐसी क्या पावर होगी कि 16 हो, तो देखना पड़ेगा, टू टू ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, एट टू ज़र 16, तो चार बार अगर करूँ तो बेसिस सेम हो गई, तो ये सेम हो गया, पावर सेम हो गई, तो एक्स इक्वल्स टू 4 पहला हमारा आ गया, सही। अब इसी तरह अब हम लोग डालते हैं पुट वाई इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, अब वाई इक्वल्स टू 4 डाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्स इक्वल्स टू 4, सही, 2 की पावर एक्स क्या बनाना है, बेस को तो 2 बनाना है, तो अब इसकी क्या पावर रखूँगी, 4 बन जाए, 2 की पावर 2 4 होती है ना, बेसिस सेम तो पावर सेम, एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट, क्या आ गया भाई, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 2, 4, ये है हमारा आंसर। नंबर 11 शुरू करते हैं, ये भी वही पुराने पावर वाले सवाल जैसे होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि पावर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, और अलग से ये जो 0.2x ही 9.2x नहीं, ये है असल में 9 मल्टीप्लाई और है 2 की पावर x है, और क्यों हम कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के ऊपर कभी भी पावर नहीं हो सकती, सही है। तो हम लोग पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा ना इक्वेशन को पहले थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लाना होगा, तो 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ, बेसिस सेम पावर एड वापस वही बन जाएगा, माइनस 9.2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अच्छा 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x इंटू 8 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये पिछले सवाल जैसा बन गया, क्या करते हैं, पावर जो छोटी पावर होती है उसे हम लोग लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे छोटी पावर क्या है, x छोटी पावर है, 2x छोटी पावर है, x छोटी पावर है ना, तो हम लोग कर लेते हैं लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, अगर 2 की पावर x y है तो हमें 2 की पावर 2x इसके बराबर होगा, हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर हो जाएगा तो 2x बन जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये और ये बन गई ना, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 को नाम दें तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारी क्या बन गई, 2 की पावर 2x की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, सही, 2 की पावर ये देख 2 की पावर 2x की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, डॉट 8 मतलब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 9 2 की पावर x की जगह मैंने y लिख दिया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सही, वैसे मल्टीप्लाई लगे क्या हो गया, 8 वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस 9 वाई हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक देखते हो तो 8 वन ज़र 8 मतलब मल्टीप्लाई करके 8 और प्लस माइनस करके 9, तो जब भी एक का डिफरेंस हो तो 1 से ही होता है, तो 1 8 ज़र 8, तो क्या हो जाएगा, 8 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस वाई, वापस वो 9 बन गया, और माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 8 होता है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अच्छा हम लोग कॉमन क्या करते हैं, 8 कॉमन है और y कॉमन है, तो 8 भी कॉमन निकाल लिया, y भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ एक y बच गया, यहाँ पे माइनस 8 वाई हम निकाल चुके हैं 1, सही है, यहाँ पे दोनों में क्या, पहला पॉजिटिव है ना y, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आएगी, माइनस 1 कॉमन आएगा तो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सही, y माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और 8 y माइनस 1, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अच्छा आइदर और कर लेते हैं, आइदर और कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 8 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक तो आ गया y इक्वल्स टू 1 और एक हो जाएगा 8 y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 ओवर 8, तो एक बार y 1 हम लोग इक्वेशन में डालते गए और एक बार y की पावर y 1 अपॉन 8 इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, सही, तो कर लेते हैं पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन 1 बल्कि नहीं सॉरी इक्वेशन 2 में डालेंगे, अच्छा इधर देखें, इन हमने जो लेट किया था ना उसमें डालते हैं ना, तो इक्वेशन 1 का नाम तो हम दे चुके हैं, तो इन दोनों से किसी एक में डाल सकते हैं, ये आसान लग रहा है, तो हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, सही है, जो सपोज करते हैं उसमें हमेशा वैल्यूज डालते हैं, सही है, इक्वेशन 2 में हम लोग डाल लें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्स इक्वल टू वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है, अच्छा हमने क्या लास्ट टाइम भी इसमें सीखा था कि हमें x ऊपर है ना तो बेसिस सेम करनी होगी, तो 2 की पावर x और 2 तो हमें लाना ही लाना है, अब हमें ये सोचना है इसकी ऐसी क्या पावर करें कि वो 1 बन जाए, तो 2 की पावर अगर 0 करें तो वापस 1 बन जाएगा, तो इन तरह से 1 और 2 की पावर 0 एक ही है, तो देखें बेसिस सेम हो गई तो x भी हमारा आ गया, तो x पहला क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0, तो हमारी एक वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 0, इसी तरह अब हम करेंगे पुट y इक्वल्स टू 1 आवर 8 इन इक्वेशन 2, सही, अच्छा
इसमें क्या है, 2 की पावर x इक्वल्स टू 1 ओवर 8। अच्छा वही चीज़, हमें 2 तो लाना ही लाना है ना बेस में, तो 1 ओवर 2। अब 2 की ऐसी क्या पावर रखूँ कि 8 बन जाए, 2 की पावर 3 8 होता है ना। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 2 ओवर 3 को ऊपर रख ले जाऊँ, 2 की पावर माइनस 3, तो क्या हो गया, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3। तो बेसिस सेम तो पावर सेम, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया। तो हमारे सवाल का सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट बना हमारा, पहले छोटा लिखते हैं तो हो जाएगा माइनस 3, 0। तो ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। इसमें वही देखें, पावर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो पहले से जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखें 4 की पावर 1 तो 4 ही रहेगा, डॉट 4 की पावर माइनस एक्स, बेसिस सेम पावर एड, तो वही हो जाएगा 1 माइनस एक्स, वही चीज़ बन जाएगी। प्लस इसे भी तोड़ के लिख देते हैं, 4 की पावर 1 4 ही होता है, डॉट 4 की पावर एक्स, फिर से वही चीज़ बन गई जनरलाइज फॉर्म में अगर देखा जाए तो वही चीज़ हमारी बन जाएगी। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये देखें, ये माइनस एक्स है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 अपॉन 4x, माइनस है इनवर्स नीचे ले गया पॉजिटिव में होगी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 4.4x इक्वल्स टू 10। अच्छा अभी पिछले सवाल में क्या देखें, दो चीज़ें सेम, 4 की पावर x सेम है, तो और इसे आसान करने के लिए पावर क्या करते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं, सही है। तो अभी मैं लेट कर लेता हूँ 4 की पावर x इक्वल्स टू y, तो ये करने की वजह से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हमारी इक्वेशन ये वाली जो है, हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, तो हमारी इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, 4 अपॉन 4 की पावर x क्या बन गया, y बन गया, सही, प्लस 4 की पावर x y इक्वल्स टू 10। अच्छा अब एक चीज़ देखें, हमें जो इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक उसके अंदर y नीचे नहीं होता, y ऊपर होता है, तो ये करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, तो y से y कट जाएगा और एक y स्क्वायर भी आ जाएगा। तो देखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, तो क्या होगा देखें, जब यहाँ y मल्टीप्लाई होगा तो y से y कट जाएगा 4 बचेगा, जब इससे y मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, और जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। अच्छा तो अब हम लोग उस फॉर्म में ले, सबसे पहले y स्क्वायर फिर y और फिर कॉन्स्टेंट 4y स्क्वायर, ये माइनस 10y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, नीचे हो हमारा वेरिएबल, तो क्या करेंगे, बोथ साइड्स को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि नीचे की चीज़ हट जाए, और इस फॉर्म में ले आएंगे। अब क्या करेंगे, फिर वही मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 4 4 16 होता है और माइनस 10 लाना है ना, तो 16 को लाना है माइनस 10, तो हम लोग तेज़ी से चेक कर लेते हैं, 4 4 16 है ना, तो वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 16 / 2 क्या होता है, 8, 8 और 2 से क्या 10 बन सकता है, हाँ 8 और 2 से 10 बन सकता है, तो 4y स्क्वायर, अच्छा माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 एक तो कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, सही, तो 4 तो निकल गया y, माइनस 4 2 8 और y यहाँ पर आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 निकल गया, यहाँ बचा y और 2 2 4, माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये दोनों सेम है, y-2 कॉमन निकाल लेता हूँ, y-2 बचा गया, 4y-2 इक्वल्स टू 0, आइदर और कर लेता हूँ, y-2 इक्वल्स टू 0 और 4y-2 इक्वल्स टू 0, तो एक तो y आ गया हमारा 2 और ये हो गया 4y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, 2 1 2, 2 2 4 और 1 अपॉन 2, सही, तो दो हमारे y आ गए, एक y इक्वल्स टू 2 आया और एक y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आया। तो क्या करेंगे, बारी बारी करके इसे इक्वेशन इसमें डाल देंगे जो हमने सपोज किया है, तो हमने लेट क्या किया, 4 की पावर x इक्वल्स टू y ना, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, सही। अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, हाँ तो अब हम लोग करते हैं पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम लोग डालते हैं। अच्छा इक्वेशन 2 क्या, 4 की पावर x इक्वल्स टू y है, तो हो जाएगा 4 की पावर x इक्वल्स टू 2, सही। अच्छा हमें क्या करना है, हमें बेस जो है वो तो 4 बनानी ही बनानी है ना, 4 की पावर x इक्वल्स टू 4, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम होंगी तो पावर सेम होंगी। अब लेकिन 4 की मैं ऐसी क्या पावर रखूँ कि वो 2 बन जाए। अच्छा 4 का रूट 2 होता है ना, रूट, और रूट असल में क्या होता है, 1 अपॉन 2 पावर होता है, तो 4 की पावर 1 अपॉन 2 इसी के बराबर हुआ, तो 4 और 4 बेसिस सेम, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो पहला हमारा x आ गया 1 अपॉन 2। इसी तरह अब दूसरा जो हमारा y है हम वो डालते हैं,
सही, पुट y इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 2। अच्छा 1/2 में क्या होगा, 4 की पावर x इक्वल्स टू 1/2, y की जगह क्या कर दिया 1/2 कर दिया। अच्छा हमें जो है बेस के अंदर 4 तो लाना ही लाना है, 1/4, और अभी हमने ऊपर देख लिया 4 की क्या पावर 2 के बराबर होती है, 1/2 इसके बराबर होता है। अच्छा नीचे है ना हमें इक्वल लाना है, तो नीचे है तो उसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर -1/2, ऐसा लिख सकता हूँ 4 की पावर x 4 -1/2 ऊपर चला गया, बेसिस सेम तो पावर सेम, तो x हमारा क्या आ गया -1/2। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बना वो क्या बना, सॉल्यूशन सेट बन गया हमारा पहले -1/2, 1/2।